for the first time we are here, and for the first time, because the carnival is being held, it is being held in a good place and also in good way. हमारी उम्मीद है कि हम इस डिस्ट्रिक्ट को वर्ल्ड मैप टूरिस्ट पे लाना चाहते हैं। ऐसी जगहों को प्रमोट करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही लाजमन है। और कुपवारा मुझे लगता है किसी हद तक इस चीज़ में बहुत पीछे था, और कुछ अरसे से आप देखिए बंगस को प्रमोट किया जा रहा है, बॉर्डर टूरिज्म करना केरन को प्रमोट किया जा रहा है। ये एक अच्छा स्टेप है कि हम इस टीपी साधना इस एरिया को प्रमोट करेंगे, ताकि कुपवारा जो है एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है। लोगों के रिएक्शंस हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे साथ एक भाई साहब है, आप कहाँ से हैं? हम राजस्थान से। राजस्थान से कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है सर। तो आपको लग रहा है कि ऐसे इनिशिएटिव्स और होने चाहिए? होना चाहिए, ताकि लोगों में क्या जागरूकता बढ़े और इसके प्रति, कश्मीर के प्रति प्रेम भावना जागृत हो। ऐसे मेले फेयर होने चाहिए इधर। तो अपने लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो आपको कश्मीर से बाहर देख रहे हैं? अपने लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि वो इधर आएं और इसका एंजॉय लुप्त उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आप कहाँ से? ये टंगडार से। टंगडार से जी। तो आज यहाँ पर पहली बार यहाँ पर विंटर कार्निवल प्रोग्राम किया गया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर विजिट किया, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत अच्छा लगा सर, हमें सभी लोगों को देखे, और मुझे भी ऐसे होना चाहिए सर, लोगों को इससे बड़ा बेनिफिट मिलता है, ये वो अच्छे प्रोग्राम बनते हैं, वो अच्छा रहता है सर। लोगों का भी यही कहना है कि ऐसे प्रोग्राम और होने चाहिए और ऐसे इनिशिएटिव्स और होने चाहिए, जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि किस तरीके का रश यहाँ पर है और किस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। और पहली बार इस तरीके के प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्किद किए गए, जिसमें यहाँ पर ज़िला इंतज़ाम के अलावा बाकी जो लोग हैं, जिसमें पुलिस हैं, SDRF हैं, महकमे सेहत हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनको आज इस काम पर लगाया गया। और जो एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से या बाकी जो मैनेजमेंट है जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो उससे डबल यहाँ पर लोगों का रश रहा, उससे डबल यहाँ पर लोग आ गए, जिससे मैनेजमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि पहली बार ये यहाँ पर स्टेप लिया जा रहा है। विंटर्स कार्निवल जैसे कि आप देख रहे हैं, हम स्पेशल चला रहे हैं और बहुत सारे लोगों की बातें सुनी। मेरे साथ टीचर फ्रेटर्निटी से यहाँ पर लोग मौजूद हैं, साहिल बशीर साहब, जो कि जम्मू कश्मीर टीचर्स फ्रेटर्निटी के प्रेसिडेंट भी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। हम जम्मू कश्मीर टीचर्स फॉर्म डिस्ट्रिक्ट कुपवारा अपनी तरफ से, अपने तमाम उस्तादा बरादरी की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर DC साहब, चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवारा और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि हम सब मिलके ये हमारी उम्मीद है कि हम इस डिस्ट्रिक्ट को वर्ल्ड मैप टूरिस्ट पे लाना चाहते हैं। और जो आज उन्होंने यहाँ पे दिनगाड़ी कुपवारा में विंटर कार्निवल का इनकॉद किया, ये बहुत अच्छा सेटअप था, हम वेलकम करते हैं। नो डाउट कि सम लूप होल्स रहे होंगे, बट इंशाल्लाह जो आगे वाले विंटर कार्निवल यहाँ पे होंगे वो बहुत अच्छे फंक्शंस हैं, वो बहुत अच्छे रहेंगे। थैंक यू। जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर यही बात की जा रही है कि जो कुछ लूप होल्स हैं वो आगे आने वाले दिनों में कंट्रोल किए जाएंगे, उन पर काबू पा लिया जाएगा। जिस तरीके से दोस्तों आपने देखा कश्मीर क्राउन पर अभी तक लोगों के रिएक्शंस, और मेरे साथ यहाँ पर एक मुकामी नौजवान हैं जो यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, हमने सोचा कि इनके तासुरात भी जानेंगे। आप अपना नाम बताइए।
میرا نام ضامن مشتبہ ہے اور میں کفوارہ سے تعلق رکھتا ہوں جی. جی ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا پروگرام کفوارہ میں آرگنائز کیا ہے جو آج تک کبھی نہیں ہوا تھا. بالکل ایسے پروگرام جب تک آرگنائز ہوں گے تو ایک یوتھ میں بھی میسج آئے گی اور باہر بھی, خاص کر آج کے ٹائم میں جب لوگ گھروں میں بند تھے ایک لمبے عرصے تک اور خصوصاً جب لوگ آج باہر نکلتے ہیں, برف باری نچلے علاقوں میں بہت کم ہوئی ہے, تو ایسی جگہوں کو پروموٹ کرنا بہت ہی ضروری ہے, بہت ہی لازمن ہے. اور کفوارہ مجھے لگتا ہے کسی حد تک اس چیز میں بہت پیچھے تھا. اور کچھ عرصے سے آپ دیکھیں بنگس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, بارڈر ٹوریزم کرنا کیرن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. یہ ایک اچھا سٹیپ ہے کہ ہم اس ٹی پی سادھنا اس ایریا کو پروموٹ کریں گے تاکہ کفوارہ جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے, لوگوں کو ابھی اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے, وقتاً فوقتاً لوگ جان رہے ہیں کہ کفوارہ کی کتنی نیچرل بیوٹی ہے, یہاں کے لوگ کتنے ہاں جی وارم ہاسپٹیلٹی کتنی یہاں کے لوگوں میں ہے. لوگ اسے دل سے اس سٹیپ کو ویلکم کر رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ بار بار ایسے فیسٹیولز کو آرگنائز کیا جانا چاہیے, چاہے وہ سنو کا یہ ونٹر فیسٹیولز ہو یا کوئی سمر کا کوئی بھی فیسٹیول ہو, کفوارہ آل سیزنس کے لیے ہم کو لگتا ہے کہ ہر سیزن کے لیے یہاں پہ ایک فیسٹیول آرگنائز کیا جا سکتا ہے. Home, country roads, all our memories gather around her. Daddy feels gorgeous. My name is Rahima. We are I am from Gujarat. He is also from Gujarat. We from Kerala. From Andhra Pradesh. I am Dr. Anil. Say something about we are doctors from Kupwara. SGH Kupwara. Explain about today's this festival. The festival is very good. We didn't expect this from this place. For the first time we are here, and for the first time because the carnival is being held, it is being held in a good place and also in good way. We can expect this, we didn't expect this much from the first carnival at Kupwara. There are also some parade. they don't come here, yeah. But you have seen the environment here, so. Yeah, it is completely wrong which is being shown in the media out there. It is very safe, people can come over, and yes, it is the Jannat of the world. It is Kashmir. So you want to convey to tourists like national and international level of this country. Every tourist should enjoy Kashmir. Yes, in the snow it is very beautiful. I have heard that it is more beautiful during the spring and summer seasons. So it is safe and it is a must place for every travel person.